गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन नया टॉपिक लेकर आए हैं। अपना नया टॉपिक क्या है हमारा, जो मेटाबॉलिज्म की सीरीज चल रही थी, कंटिन्यू करते हैं हम उसको। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट टाइम पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन ने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आपका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पर क्या चल रहा है, हमारा ETS कंटिन्यू चल रहा है। लाइक हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वहां पे हमें देखने को मिलेगा, सेकंड देखने को मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स फिफ्थ छोड़ा था। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं हम। और क्या नाम है इसका? नाम है इसको हम ऑलरेडी हम किस नाम से जानते हैं? F0F1 कॉम्प्लेक्स नाम से भी जानते हैं। F0F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं इसको। F0F1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, CSIR स्किप करेगा तो आपका CSIR के कुछ दिनों बाद ही आपका गेट का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हम देख चुके थे। हमने क्या देखा था कि यहां से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, प्रोटॉन की क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है। ठीक है, लाइक आपने देखा था ना, फोर प्रोटॉन की पंपिंग यहां से हो रही है, थर्ड से भी फोर्थ प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, फोर्थ से दो प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। तो कितने प्रोटॉन होगा? 10 प्रोटॉन पंप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है आज, हमें क्या पढ़ना है कि प्रोटॉन कहाँ आ रहे हैं? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या मैं इसको बोल सकता हूँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दूं या मैं बोलूं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एक ही बात है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ रहे कहां से आ रहे हैं? मैट्रिक्स से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स से ये जो प्रोटॉन कहां आ रहे थे? PMS में जा रहे थे। तो मैंने कहा था यहां पे क्या इंक्रीज हो जाएगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। अभी हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, बाद में पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे अपन। अब देखो, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होने के बाद में यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पे है हमारा ATP सिंथेस, यहां पे है हमारा क्या, ATP सिंथेस। ठीक है, अभी रफली बता रहा हूं, बाद में डायग्रामेटिक पूरा समझेंगे। ठीक है, ATP सिंथेस में हम क्या देखते हैं, यहां पे इसके दो सबनेट है F0 एंड F1। तो यहां से ये प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? ये देखो, ये फोर प्रोटॉन भी इधर ही आएगा, ये वाला फोर प्रोटॉन और ये दो प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या करके जा रहे हैं? ये ATP सिंथेसिस करके जा रहे हैं। क्या करके जा रहे हैं? ये ATP सिंथेसिस करके जाएंगे। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ATP के सिंथेसिस कैसे होगी? ठीक है, और हमारा की ATP सिंथेसिस के अंदर क्या सब यूनिट है, क्या कंपाउंड है, वो हमें इन डिटेल देखना है आज। ठीक है, तो मैं इसको तो मिटा रहा हूं, ये कोई नॉर्मल नहीं है कि आपको नोट करना है। ठीक है, तो अपन डिटेल में देखते हैं कि क्या है आपका ATP सिंथेसिस और आज हमने क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोल दिया या ATP सिंथेसिस बोला या F0 F1 पार्टिकल बोला। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ या मैं बोल रहा हूँ ATP सिंथेसिस या हम बोले F0 F1 पार्टिकल, इसके क्या होते हैं बच्चों? इनके दो कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपाउंड होते हैं इसके, दो कंपाउंड। लाइक अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एक तो होता है रोटर और सेकेंड वन होता है यहाँ पे क्या, स्टार्टर। दो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे आपके कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के कॉम्पोनेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो F0 क्या होता है, अगर अपन देखें यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक तो आपका लाइक रोटर, एक हो गया अपना स्टार्टर। और अगर अपन इसमें देखें कि यहाँ पे क्या है, एक तो होता है F0 पार्टिकल और एक होता है F1 पार्टिकल। तो F0 क्या होता है? F0 इज अ मैम्ब्रेन बाउंड। क्या है ये? मैम्ब्रेन बाउंड है, मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब मैम्ब्रेन मतलब, मैम्ब्रेन बाउंड का मतलब हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मैम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करके जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स क्या करके जाएगा, जो ये रेगुलेट करेगा एक तरह से किसको, H+ चैनल को। ठीक है, लिख देता हूं मैं, डेट फॉर्म
टू रेगुलेट एच प्लस चैनल। ये किसको रेगुलेट करके जाएगा? ये हमारा रेगुलेट करता है एच प्लस चैनल को, ठीक है। अब एफ जीरो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इस एफ जीरो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो एफ जीरो के अंदर हमारे कुछ सबयूनिट देखने को मिलेगी। तो एफ जीरो कंटेन्स, एफ जीरो क्या कंटेन्स करता है, एफ जीरो के अंदर हम देखेंगे बच्चों इसके पास वन एक तो क्या है, ए सब यूनिट है, वन ए सब यूनिट देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके पास क्या है, दो यहाँ पे क्या है, टू बी सब यूनिट है, टू बी सब यूनिट देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा इसके पास, इसके पास है एंड 9 to 12 सी सब यूनिट, सी सब यूनिट जिसको हम बोलेंगे बाद में सी रिंग भी बोलते हैं, सी रिंग बोलते हैं, रोटेशन में काम आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एफ जीरो लिख रहा हूं या एफ ओ बोल रहा हूं मैं, तो ओ का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ जीरो में एफ ओ का क्या मतलब है, ओ डिनोट फॉर, यहाँ पे ओ डिनोट फॉर ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन ड्रग, ओलिगोमाइसिन ड्रग, ड्रग बोलूं या मैं एंटीबायोटिक बोल रहा हूं, ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से दैट मीन ये क्या करके जाती है, ये ब्लॉक करती है किसको, ये एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करेगी, एटीपी सिंथेस को ब्लॉक कर देती है। ये क्या करती है बच्चों, जो प्रोटोन ट्रांसफर होते हैं ना आपके एफ जीरो से एफ वन के अंदर, ठीक है, उस स्टेप को क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। क्योंकि एफ जीरो से प्रोटॉन कहां ट्रांसफर होंगे, एफ जीरो से एफ वन में होंगे, तो ये उस स्टेप को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो यहाँ पे, जो 9 टू 12 सी सब यूनिट है यहाँ पे, इस 9 टू 12 सी सब यूनिट के अंदर भी क्या होता है, ये सी सब यूनिट भी क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन एक तरह से। यहाँ पे क्या होंगे अगर देखा जाए तो, इस सी सब यूनिट के अंदर, इस सी सब यूनिट के अंदर यहाँ पे आपको दो हेलिक्स देखने, अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगे, दो अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप अगर मैं इसका जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज देखने को मिलेंगे। एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज क्या होता है, ये जो सेकेंड हेलिक्स होगा ना आपका, सेकेंड दो हेलिक्स होंगे तो सेकेंड हेलिक्स पे होगा ये पजन, कहां प्रेजेंट होगा, सेकंड हेलिक्स पे कौन प्रेजेंट होगा हमारा, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज होंगे। ये क्या करके जाते हैं, प्रोटॉन को आगे ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे अपन पूरा देखेंगे बच्चों, ठीक है। ओलिगोमाइसिन का देख लिया कि ओलिगोमाइसिन क्या है, ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक क्या करती है, एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, कैसे, प्रोटोन ट्रांसफर करने को ब्लॉक करेगी, एफ जीरो से एफ वन में जो प्रोटोन ट्रांसफर होंगे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा एफ जीरो, अब आता है हमारा एफ वन, सेकंड आता है हमारा क्या, ये तो हो गया फर्स्ट हमारा एफ जीरो, एक हो गया हमारा एफ वन। एफ वन क्या है, एफ वन, एफ वन को हम बोल सकते हैं एफ वन एटीपेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एफ वन क्या है, तो एफ वन के सब यूनिट है, तो एफ वन में क्या सब यूनिट है, यहाँ पे तीन अल्फा सब यूनिट देखने को मिलेगी, यहाँ पे तीन बीटा सब यूनिट देखने को मिलेगी, गामा देखने को मिलेगी, डेल्टा एंड एप्सिलॉन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये सब यूनिट इसके अंदर है। एफ जीरो के पास कौन सी सब यूनिट है, एफ वन के पास वन ए सब यूनिट, दो सब यूनिट है, बी वन बी टू, कौन सी, बी सब यूनिट हो गई, एंड 9 टू 12 सी सब यूनिट होती है, ठीक है। 9 टू 12 होती है सी सब यूनिट, एंड यानी हम बोल सकते हैं सी रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सी सब यूनिट के अंदर भी दो अल्फा हेलिक्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन के भी, एंड देन यहां पे हम देखेंगे कि दो यहां पे क्या होगा, जो सेकंड हेलिक्स है वहां पे एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज देखने को मिलेगा, ओके। अब एफ वन की बात की जाए, तो एफ वन में हमने बोला कि एफ वन एटीपीज में थ्री अल्फा थ्री बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ईच एंड एवरी सब यूनिट का एक पर्टिकुलर काम है, वो डिटेल में हमें देखना है। अब देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इनके पास, इसके पास जो थ्री बीटा सब यूनिट है, थ्री बीटा सब यूनिट का काम क्या है, थ्री बीटा सब यूनिट एक तरह से क्या होती है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस की साइट कौन सी है, बीटा सब यूनिट है, ठीक है। अब आपके पास यहां पे क्या है, जो गामा सब यूनिट है, एप्सिलॉन सब यूनिट है, एंड जो सी रिंग होती है ना, सी रिंग कितनी थी, 9 टू 12 थी, सी सब यूनिट 10 टू 12 थी। ये क्या करके जाती है बच्चों, ये रोटेशन में काम करती है, ये लाइक अपने बोला रोटर एंड स्टार्टर, तो ये क्या करती है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स क्या करती है, रोटेशन में काम करती है, ये रोटेशन में हेल्प करती है। क्यों रोटेशन हो रहा है ये भी आपको डिटेल में देखना है, मतलब कि हम देख सकते हैं ये मूविंग यूनिट है, क्या है, मूविंग यूनिट है। अब रिमेनिंग क्या बची हमारे पास, गामा डेल्टा सी रिंग आ गई, तो हमारे पास एक तो बचा हमारे पास ए पार्ट, एक बचा बी पार्ट, ए और बी है ना यहाँ पे, ये देखो ए सब यूनिट बी सब यूनिट एंड ए थ्री बची हमारे पास, ए थ्री है बी थ्री है, ठीक है।
और कौन सा बच्चा देखो यहाँ पे, और क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बच्चा है डेल्टा। ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या होती है, स्टार्टर है। ठीक है बच्चों, ये स्टार्टर है, मतलब स्टेशनरी यूनिट है। क्या है ये, स्टेशनरी यूनिट है। ये स्टेशनरी यूनिट है। अब आपको ये तो देखो, ये तो बेसिक नॉलेज हो गई कि एटीपी सिंथेसिस में क्या देखने को मिलेगा। एटीपी सिंथेसिस के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है रोटर कंपाउंड, एक होता है स्टार्टर कंपाउंड। रोटर का काम होता है रोटेशन करने का, और एक स्टार्टर कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हम और क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एफ जीरो इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होगा डेट फॉर्म टू रेगुलेट एच प्लस चैनल। एफ जीरो के पास क्या है, एक तो ए सब यूनिट है, दो बीटा सब यूनिट है, और सॉरी दो बी सब यूनिट है, सी आपकी 9 टू 12 सब यूनिट होगी। सी सब यूनिट के पास क्या होंगे, देखे तो दो अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड हेलिक्स होगा उस पर क्या होंगे, एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो ओ डिनोट कर रहा है एफ ओ में, ओ डिनोट फॉर एंटीबायोटिक ओलिगोमाइसिन, जो कि ब्लॉक करती है किसको, एटीपी सिंथेस को। एफ जीरो से एफ वन में प्रोटोन ट्रांसफर को ब्लॉक करती है। एज वेल एज एफ वन एटीपी में 3 अल्फा 3 बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन सब यूनिट देखने को मिलेगी, जिसमें से 3 बीटा का काम होता है, 3 बीटा क्या है, एक तरह से साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस है। गामा डेल्टा एंड सी रिंग ये रोटेशन में काम करती है, मूविंग यूनिट है। अब अपन आते हैं यहाँ पर, हम बनाते हैं क्या आपका डायग्राम कि क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। देखो बच्चों, ये अपन ने बना दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई हमारी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हाफ प्रोटॉन पंप चैनल मिलेंगे, हाफ प्रोटॉन चैनल देखने को मिलेगा। हाफ प्रोटॉन चैनल का मतलब क्या है, मतलब फुल नहीं है, डायरेक्ट आपका एच प्लस इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये क्या है, लाइक अगर अपन देखते हैं ना, ये देखो अगर अपन देखे, ये चैनल है, एक चैनल है, तो डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है डेफिनेटली कोई भी प्रोटॉन डेफिनेटली। पर यहाँ पे क्या देखो, हाफ है, यहाँ पर अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ से जाके ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हाफ यहाँ पर है, हाफ है। तो हाफ को हम कैसे इसमें हम प्रोटॉन को ट्रैवल कराएं, वो हमें देखना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और क्या है, ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी है सी रिंग। ये क्या है हमारी, सी रिंग है, ये सी रिंग है, ठीक है। इस सी रिंग के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, इस सी रिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, एस्पार्टेट रेजिड्यूज देखने को मिलेंगे। इस सी रिंग में क्या देखने को मिलेंगे, एस्पार्टेट एसिड रेजिड्यूज देखने को मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज, इस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, एएसपी नेगेटिव। ये देखो सी रिंग है, ठीक है। अब देखो यहां पे एस्पार्टिक एसिड हो गया। अब ये देखो ये क्या है, ये तो हमारी यहां से लेके, ये तो हमारी एफ जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो मेम्ब्रेन पे है तो हम क्या बोल रहे हैं, एफ जीरो है। और ये क्या हो गया हमारा, हाफ प्रोटोन चैनल, हाफ प्रोटोन चैनल। ये भी क्या है, ये भी क्या है, हाफ प्रोटोन चैनल, हाफ प्रोटोन चैनल, ठीक है। यहां तक तो हमने देख लिया, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये अगर अपन देखें तो ये वाला पार्ट होगी, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ए पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट है, अब बी भी बनाना है। देखो अभी तो एफ जीरो देखा है, एफ जीरो बनाया अपन ने, मेम्ब्रेन पर है, यहां पर ही हमारा बी पार्ट भी होगा। अब देखते हैं वो कहां पर है, ये देखो यहां पर क्या देख रहे हैं अपन, सी रिंग के साथ में कौन अटैच है, सी रिंग के साथ में गामा है ये, एंड यहां पर क्या है अपन देखे, एप्सिलॉन है, यहां पर गामा और एप्सिलॉन। तो मैंने कहा था यहां पर देखो, इसको भी ध्यान से देखना है कि यहाँ पे गामा एप्सिलॉन एंड सी 9 टू 12 रोटेशन में काम करेगी, मूविंग यूनिट है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमको बीटा देखने को मिलेगा, एक बीटा, तीन बीटा है ना, एक बीटा। ये देखो किताबी लैंग्वेज के हिसाब से अपन को अरेंज नहीं करना है कि सर किताब में ऐसे दे रखा है, ये डायग्राम अपन ही बना लेते हैं, ठीक है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, याद करना है, ऐसा मत समझना कि सर बुक में तो अलग डायग्राम दे रखा होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया अल्फा, और यहां पर एक और सब यूनिट, ये क्या हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये देखो
इसको मिटा रहा हूँ एक बार के लिए। ये देखो ये हमारी सबयूनिट कौन सी है, ये हमारी बी सबयूनिट है, ये बी सबयूनिट है, ये हमारा प्रोटॉन चैनल था ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सारे के सारे बना दी, देखो हमने क्या बोला था, तीन अल्फा होगी तीन बीटा होगी, तीन अल्फा हो गए तीन बीटा हो गई, एक गामा हो गई, एक एप्सिलॉन हो गई, एक डेल्टा हो गई, ठीक है। ए और बी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। यहां से लेकर ये अगर अपन देखे, ये पार्ट, ये क्या है एफ जीरो, ये क्या है एफ जीरो, और यहां से लेकर यहां तक का देखे तो ये क्या है एफ वन है, ये क्या एफ वन। अब आपको ये कंफ्यूज रहा होगा सर ये कहां पर क्या है, तो देखो अपन देख लेते हैं ये क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स फेज है, और ये क्या है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या मैं बोलो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एक ही बात है आईएमएस या पीएमएस बोल दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से पूरा का पूरा हमारा डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है। एस पार्ट ये हमारी सीरिंग हो गई, ये हाफ प्रोटॉन चैनल हो गए, ए पार्ट बी पार्ट, तीन अल्फा तीन बीटा डेल्टा एंड गामा यहाँ पे हमारे हो गए, बना दिया अपन ने। तो ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको नॉर्मल अपन दिखाएंगे, लाइक अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे दिखाऊं, नॉर्मल ये मेम्ब्रेन है, कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी सेकंड कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारा, लाइक अगर अपन इसको बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा यहाँ पे, ये ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, आया समझ में। ये लो ये ऐसा बनेगा, बट अपन को नॉर्मल पूरा बड़ा देखना है इसलिए अपन ऐसा बड़ा बना रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ये तो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, होता क्या है एटीपी सिंथेस के अंदर, एटीपी सिंथेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां से क्या है प्रोटॉन जा रहे हैं। मैंने बोला कि पीएमएस में क्या थे, मेरे को पता था कि यहां से अगर अपन देख रहे हैं, यहां पर अपन देखे एच प्लस आयन को ट्रेवल करा रहे थे, यहां से भी आपके प्रोटोन, यहां से भी आपके प्रोटोन ट्रेवल कर रहे थे। ये प्रोटोन कहां से आ रहे थे, प्रोटोन चैनल के अंदर आ रहे थे, ठीक है। इधर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, डेफिनेटली। अब देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहां से मैंने बोला कि यहां से एच प्लस आयन है, ये देखो एच प्लस आयन है, ये देखो एच प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एच प्लस आयन कहां से आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ से आ रहे हैं, ये एच प्लस आयन, बहुत सारे एच प्लस आयन है। देखो अब देखो ये एच प्लस आयन क्या करके जा रहा है, ये एच प्लस आयन ट्रेवल करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा, ये देखो ये एच प्लस आयन यहां पर आया, यहां से ये एच प्लस आयन कहां पर आया, ये देखो एच प्लस आयन यहां आए, पर ये इससे आगे तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, H+ इस हाफ प्रोटॉन चैनल को क्रॉस कैसे कर सकता है। अब यहां पर जाके रुक गया, यहां पे क्या है C रिंग प्रेजेंट है, C रिंग के अंदर क्या देख रहे हैं हम, C रिंग में एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज है, ये एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करके जाएंगे H+ के साथ में बाइंडिंग करेंगे और यहां पे क्या बनाएंगे, न्यूट्रल फॉर्मेशन में आ जाएंगे, ASPH, ये न्यूट्रल हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब ये H यहां से कहां जाएगा, ये H यहां से कहां जाएगा, ये देखो प्रोटॉन कहां पर आ गया, प्रोटॉन कहां हो गए, ये लो बाहर आते हैं वापस से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये एस्पार्टिक एसिड वापस से क्या हो जाएंगे, इस सीरिंग के पास आ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, वापस देखो H+ आयन है, H+ है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, हाफ प्रोटॉन चैनल से थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, पूरा तो फुल प्रोटॉन चैनल नहीं है। तो अब ये सी रिंग क्या हो रही है, सी रिंग रोटेशन करेगी, और सी रिंग क्या कर रही है, इसका जो एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज है ये क्या करके जाएगा, प्रोटोन से एच प्लस आयन से बाइंडिंग करेगा, एंड बाइंडिंग करने के बाद में क्या दिखेगा, ये खुद न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद में जैसे ये रिंग रोटेशन करती जा रही है तो क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज को ऊपर लेकर आ जाएंगे, किसको, प्रोटोन को, एंड प्रोटोन को क्या करेंगे, इस दूसरे हाफ प्रोटोन चैनल के थ्रू ये बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकालने से क्या हो रहा है, इसको बाहर निकालने से क्या होगा, यहां से क्या H+ क्या होगा, ये देखो कहां पर आ जाएंगे, बीटा यहां पे ये F1 पार्टिकल के पास आ जाएंगे। F1 पार्टिकल का काम क्या होता है, F1 पार्टिकल का काम होता है यहां पे क्या होता है, रोटेशन चलता है, ठीक है। रोटेशन कैसे चलता है, हर यहां पे तीन बीटा सबनेट है, ये 120 डिग्री का रोटेशन लेती है, 120 डिग्री। तो एक राउंड ले लेता हूं, अगर एक राउंड की बात करूं, पूरे राउंड की बात करूं, तो एक राउंड मतलब 360 डिग्री एंगल है,
तो यहाँ पे 3 बीटा है, हर एक बीटा 120 डिग्री एंगल में रोटेशन लेता है, 120 120 120 120, और हर 120 डिग्री के एंगल में हमारे एक एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि एच प्लस जैसे गए यहाँ पे, ये एच प्लस जैसे गए तो एडीपी प्लस में पीआई, एडीपी प्लस में पीआई आपस में क्या करते हैं, क्लोज बाइंडिंग कर लेते हैं, एंड देन ये क्या बना लेते हैं, आपका एटीपी फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मैट्रिक्स के अंदर क्या है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब अपन को क्या करना है बच्चों, एक बार के लिए आप इतना नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इस जो बीटा सबनेट का रोटेशन है, जो कि कौन करवा रहा है, गामा करवा रहा है, एप्सिलॉन करवा रहा है, और सीरिंग के थ्रू हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो ये रोटेशन का काम क्या करना है हमें देखना है, क्योंकि रोटेशन से समझ में आएगा कि एक राउंड के अंदर ये जो बीटा सबनेट के राउंड लेंगे ना, तो एक राउंड में ये 3 ATP फॉर्मेशन कर लेंगे, 1 round 3 beta 3 ATP फॉर्मेशन कर लेंगे एक ही राउंड में। ठीक है, तो ये कैसे रोटेशन करिए, कैसे आपके एटीपी फॉर्मेशन करेंगे, वो हमें इन डिटेल देखना है, एक बार के लिए इतना नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि एक साइंटिस्ट थे, एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे हैं अपन, कि देखो अपन ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उनका, पॉल बॉयर, क्या थे, पॉल बॉयर, इन्होंने क्या दी थी, एक मैकेनिज्म बताया था, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म बोल लो, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म बोल लो इसको, या आप इसको बोल सकते हो क्या, बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म, और बोल सकते हो इसका बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के ऊपर आ सकता है, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म आए तो देख लेना कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म आए तो देख लेना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो आपके बीटा सब यूनिट है वो रोटेशन कर रही है, रोटेशन कौन करवा रहा है, गामा करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेज देखने को मिलेगी, 3 स्टेज क्या होती है, फर्स्ट होती है ओपन स्टेज लाइक ओपन, सेकंड वन इज लूज स्टेज, एंड थर्ड वन इज टाइट स्टेज। अब ये ओपन लूज एंड टाइट क्या होता है, देखो ये है आपकी एटीपी की जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है ना, एटीपी मतलब एडीपी और पीआई, एडीपी एंड फॉस्फेट की बाइंडिंग कैसे हो रही है, किस स्टेज में हो रही है, और एटीपी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, उसके रिगार्डिंग है। कैसे, लाइक अगर अपन देखिए, देखो ये क्या है हमारे गामा सबनेट है, ये क्या है हमारा गामा, ये गामा है, एंड गामा, ये गामा सबनेट है, और गामा से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, ये हमारे बीटा है, ये हमारे क्या है, बीटा है। ठीक है, बीटा वन लो, ये मान लो बीटा टू, ये मान लो बीटा थ्री, 3 बीटा है, तो 3 आपके, तो 3 बीटा होगा, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री। ठीक है, अब गामा क्या करके जाएगा, रोटेशन में हेल्प करके जाएगा, तो मैंने बोल दिया ये ओपन स्टेज है, ठीक है ओपन है ये वाला, और ये वाला हमने बोल दिया ये वाला क्या है, टाइट है, और ये क्या है, लूज फॉर्म। ठीक है, मैं बस ये लिख रहा हूँ ओ टी एल एंड, समझ जाना, एल का मतलब है लूज, टी का मतलब है टाइट, एंड ओ का मतलब है ओपन स्टेज है। अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर लूज फॉर्म है तो लूज फॉर्म के अंदर एडीपी एंड पीआई आपस में बाइंड नहीं कर सकते, दोनों की क्या है, विकेश बाइंडिंग है। ठीक है, टाइट के अंदर क्या होता है, टाइट के अंदर क्या है, टाइट में हम देखें तो यहाँ पे एडीपी और पीआई ने आपस में बाइंडिंग कर लिया और एटीपी फॉर्मेशन कर लिया। एंड बीटा वन का ओपन स्टेज का मतलब है कि ओपन कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी रिलीज हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो गया, एटीपी रिलीज हो गई है, मतलब इस बीटा वन ने क्या करा है, अपना 120 डिग्री एंगल चेंज कर लिया है। लाइक कैसे चेंज किया है, अपन थोड़ी देर में अपन इसको समझते हैं इन डिटेल। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं क्या बोल सकती काउंटर क्लॉकवाइज बोलूं या एंटी क्लॉकवाइज बोलूं, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन दिया मैंने इसको। ठीक है, कितना डिग्री, 120 डिग्री एंगल। ठीक है, मैंने 120 डिग्री एंगल क्या करा है, रोटेशन किया है, 120 डिग्री रोटेशन ऑफ गामा, तो गामा ने रोटेट करा 120 डिग्री एंगल में। तो कैसे रोटेट करने से क्या हो रहा है, ये देखो ये आपका गामा है, ये तो आपका गामा है, और ये कौन है हमारा, ये देखो, अब देखो रोटेशन करने से, अब ये बीटा वन नहीं है यहाँ पे, अब देखो
अगर अपन रोटेशन किया है तो ये ओपन था ना, अब बीटा वन ओपन था, ये रोटेशन करके कहां जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ये वाला कहां चल जाएगा इधर, और ये वाला कहां जाएगा इधर, रोटेशन हुआ है। तो ये तो आपका बीटा वन हो गया, बीटा वन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, लाइक अपन देखे तो यहां पे क्या है, ये बीटा वन है। अब ये देखो स्टेज चेंज हो रहा है, बीटा वन पहले क्या था, ओपन था, अब क्या हो जाएगा, देखो ये ओपन है, ओपन से अपन क्या करने वाले हैं इसको, अपन बीटा सब क्या करने वाले, ओपन पहले क्या था, ओपन था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये देखो लूज कहां चला गया, लूज तो यहां पर आ गया, लूज यहां हो गया है, ठीक है, और लूज यहां पर हो गया, ओपन कहां आ गया यहां पर, और टाइट कहां आ गया यहां पर, बीटा सब यूनिट, ठीक है, चेंज कर लिया उन्होंने, बीटा वन यहां आ गया, बीटा थ्री एंड बीटा टू, तो बीटा सब यूनिट में चेंज हो गया। तो पहले ये ओपन था, अब क्या हो जाएगा, ये अगर अपन देखिए देखो ये चेंजेस कर लिया अपन ने, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, इनके अंदर रोटेशन की वजह से इनकी बाइंडिंग चेंज हो रही है, इनके बाइंडिंग कैसे चेंज हो रही है, देखो ये तो बीटा वन ही है, अब देखो क्या हो रहा है, लूज फॉर्म में आ गया, लूज फॉर्म में आने की वजह से क्या होगा, यहां पे देखो एडीपी प्लस में पीआई, यहां पे ओपन फ्रेम में है, तो ये देखो ओपन में इसने एटीपी रिलीज कर दिया, और यहां पे ना टाइट फॉर्म में है, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे एडीपी एटीपी फॉर्मेशन कर लिया। वापस से अगर मैं क्या करके जा रहा हूं, बीटा सब यूनिट के अंदर, बीटा सब यूनिट की बाइंडिंग चेंज हो रही है, जैसे मैं इसको क्या करके जा रहा हूँ, रोटेशन दे रहा हूँ 120 डिग्री का, बीटा सब यूनिट की क्या हो रही है, बाइंडिंग चेंज हो रही है। पहले जो बीटा वन थी, पहले बीटा वन क्या थी, लाइक अगर अपन बोले कि पहले अगर मैं बोला या बीटा टू देख रहा हूँ, ये लूज स्टेज में थी, तो बाद में क्या हो जाएगी, टाइट स्टेज में आ जाएगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी, वापस लूज हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, लूज स्टेज, लूज के बाद में टाइट हो रहे हैं, टाइट के बाद में इसने क्या करा, एटीपी को रिलीज कर दिया ओपन स्टेज में जाके, ठीक है। तो वापस देखो यह गामा सब यूनिट है, वापस से देखो इसके अंदर मैंने 120 डिग्री एंगल का रोटेशन दिया, वापस से 120 डिग्री एंगल का रोटेशन दिया, रोटेशन देने से अब देखो क्या होगा, अब क्या हो रहा है, ये देखो वन बीटा वन रोटेशन वन एटीपी दे रहा है, वन बीटा वन रोटेशन, ये देखो अब क्या हो रहा है, वापस से रोटेशन हुआ बीटा सब यूनिट के अंदर, वापस से रोटेशन हो रहा है बीटा सब यूनिट के अंदर, तो अब देखो ये ओपन था, ये ओपन कहां आ जाएगा, अब ये देखो ये वाला बीटा, ये वाली बीटा सब यूनिट तो ओपन ओपन हो गई है, ये वाली क्या हो गई, टाइट हो गई, और ये वाली क्या हो गई, लूज हो गई है। लूज में क्या था, एडीपी प्लस में पीआई फॉर्म कर रहे थे, ओपन टाइम में यहां से इन्होंने एटीपी बाहर निकाल दी इस वाले ने अब, और यहां पर क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, यहां पर इन्होंने टाइट बाइंडिंग कर ली तो एटीपी फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो अब वापस से देखो, अगर मैं वापस से रोटेशन करवाता हूँ 120 डिग्री एंगल का, 120 डिग्री एंगल का, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से एटीपी निकल रही थी, यहाँ पे कहाँ है, ये देखो यहाँ से एटीपी निकल रही है, यहाँ पे देखो ये एटीपी निकल रही है, सॉरी ये नहीं है ना, कहाँ से निकलेगी, ये ओपन स्टेज से निकल रही है, यहाँ पे तो एटीपी बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वापस से अगर मैं रोटेशन देता हूं, वापस से मैं अगर रोटेशन देता हूं, तो रोटेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, वापस देखो ये बीटा सब यूनिट है हमारी, ठीक है। अब वापस देखो क्या हो रहा है, ये टाइट है आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये टाइट है, टाइट कहां जाएगा, टाइट यहां जाएगा, ठीक है। लूज कहां जाएगा, लूज यहां जाएगा, ओपन कहां जाएगा, ओपन यहां जाएगा, तो ओपन स्टेज में वापस से क्या निकल रही थी, एटीपी बाहर निकल रही थी, यस। लूज फॉर्म में क्या था, एडीपी एंड पीआई की बाइंडिंग नहीं चल रही थी, नहीं, तो ये लो, एंड टाइट स्टेज में यहाँ पे देखो एटीपी है। तो एक बीटा था, एक बीटा अगर अपन देखे, वन बीटा एक बीटा क्या करके जा रहा है अपन, ये राउंड अगर राउंड ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या करके जा रहे हैं, अगर ये अगर 360 डिग्री राउंड ले रहा है, एक बीटा अगर 360 डिग्री राउंड ले रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बीटा वन है, लाइक बीटा वन पहले क्या था, लाइक अगर पहले अपन देखे ये लूज फॉर्म है, यहां से देखते हैं, अगर मैं बात करूंगी बीटा वन है या बीटा टू को देख, लूज स्टेज में गया ना, अच्छा ठीक है, बीटा टू को देखो, ये लूज फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लूज फॉर्म के अंदर क्या था, क्या अपन देख रहे हैं कि लूज फॉर्म में यहाँ पे एडीपी प्लस में पीआई है, बाइंडिंग नहीं हुई है। अगर मैं बीटा टू को बोल रहा हूँ कि बीटा टू अब टाइट फॉर्म में आओगे तो क्या होगा, एटीपी, एंड वापस से ये लूज फॉर्म से टाइट फॉर्म में आएगा, टाइट से जब जैसे ही ये ओपन फ्रेम में आएगा, इसने एटीपी रिलीज कर दी। तो एक बीटा पूरा 360 डिग्री राउंड के अंदर, एक बीटा पूरे 360 डिग्री राउंड के अंदर क्या दे रहा है, एक एटीपी दे रहा है। वन बीटा वन रोटेशन कितना डिग्री का है, 360 डिग्री रोटेशन ले रहा है, वन राउंड ले रहा है, तो वन एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बीटा पहले क्या कर रहा है, पहले ये बीटा अगर अपन देखे, ये बीटा अगर बीटा की बात करें, बीटा वन ही ले लो, तो पहले बीटा वन अगर अपन देखे, ये लूज फॉर्म में एडीपी प्लस में एडीपी एंड पीआई दूर दूर बैठा था, ये
देन ये क्या होगा टाइट फॉर्म में आने के बाद में, पहले क्या था बीटा वन, बीटा वन एडीपी पर पीआई था, टाइट फॉर्म में आने के बाद एटीपी बना ली और इसने क्या करा ओपन स्टेज में आने के बाद, ओपन स्टेज में आने के बाद इसने एटीपी को रिलीज कर दिया। ठीक है, एज वेल एज वापस से बात करें बीटा टू की, बात करें बीटा टू बोल रहा है कि मेरा भी सेम वही कंडीशन चल रही है। बीटा टू ये बोल रहा है बीटा टू कि मैं भी जब लूज फॉर्म में हूं, ये भी क्या बीटा टू ही है। अब बीटा टू बोल रहा है कि जब मैं भी क्या कर रहा था, मैं जब लूज फॉर्म में था तो मेरा भी एडीपी प्लस में पीआई दूर दूर थे, पर जैसे ही मैं टाइट फॉर्म में आया, ये लूज फॉर्म है ये टाइट फॉर्म में आया, मैंने एटीपी बना ली और मैं जैसे ही ओपन स्टेट में आया, ओपन स्टेज में आया मैंने एटीपी को रिलीज कर दिया। मैंने बीटा थ्री से पूछा, बीटा थ्री ने भी ये कहा, बीटा थ्री बोल रही है कि हाँ मेरे साथ भी यही चीज चल रहा है, बीटा थ्री बोल रही है मेरे साथ भी यही चल रहा है। देखो बीटा थ्री बोल रहे हैं तो इसने भी बोला क्या, इसने बोला कि मेरे साथ भी सेम चीज चल रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूं, अगर मैं लूज फॉर्म में हूं, अगर मैं लूज फॉर्म में हूं तो मेरा एडीपी प्लस में पीआई आपस में बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, पर जैसे ही मैं टाइट फॉर्म में आऊंगा तो मेरा एटीपी, एटीपी टाइट फॉर्म में एटीपी फॉर्मेशन कर लूंगा, मैं एटीपी फॉर्मेशन कर लूंगा, पर जैसे ही मैं ओपन स्टेट में आऊंगा मैंने एटीपी को रिलीज कर लूंगा। तो बीटा वन भी ये कह रहा है, बीटा टू भी ये कह रहा है, बीटा थ्री भी कह रहा है, मतलब इन तीनों को 360 डिग्री का रोटेशन चाहिए, यस 360 डिग्री का रोटेशन तीनों को चाहिए। मतलब पहले क्या थे, लूज फॉर्म में थे एडीपी प्लस में पीआई, बीटा वन इसने 120 डिग्री एंगल चेंज किया, 120 डिग्री एंगल चेंज करने से क्या हुआ, पहले क्या था लूज, लूज के बाद 120 डिग्री में क्या हुआ, 120 डिग्री लेते कितना हो गया टाइट, वापस 120 डिग्री लेते क्या हो गया रिलीज, वापस से 120 डिग्री वापस से लूज। तो एक बीटा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट क्या करके जा रही है 360 डिग्री एंगल के टाइम पे ओपन स्टेज, टाइट स्टेज एंड लूज स्टेज फॉर्म कर रही है डेफिनेटली। तो यहाँ पे कितने बीटा है, तीन बीटा है, कितनी कितनी डिग्री पे एंगल में अरेंज में है, एक एक बीटा दूसरे बीटा से, एक बीटा दूसरे बीटा से, दूसरा बीटा तीसरा बीटा से, कितना डिग्री एंगल पे अरेंजमेंट लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना कि हाँ ये सब बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री से कंफ्यूजन हो रहा है, यूं भी देख सकते हो, समझ में आ रहा है, यूं देखो इसको क्योंकि वहां पे अपन दिखा नहीं सकते। बीटा ओपन स्टेज में है, बीटा सब यूनिट टाइट स्टेज में, बीटा सब यूनिट लूज स्टेज में है। तो पहले जो बीटा सब यूनिट थी जो कि लूज फॉर्म में थी, लूज फॉर्म के बाद में टाइट फॉर्म में आई, टाइट के बाद में ओपन हो गई, ओपन स्टेज में आ गई। तो एक बीटा दूसरे बीटा से 120 डिग्री के एंगल में है, दूसरा बीटा तीसरे बीटा से 120 डिग्री एंगल में है, तीसरा वाला पहले वाले से वापस से 120 डिग्री के एंगल में है। अगर मैं बात करूं यू, अपन यू देखे तो ये बीटा वन है, तो बीटा वन बीटा टू से 120 डिग्री के एंगल में है, और बीटा टू बीटा थ्री से 120 डिग्री एंगल में है, बीटा थ्री बीटा वन से 123 के एंगल में अरेंजमेंट है। तो 120 इंटू थ्री कर लो, 120 डिग्री इंटू थ्री कर लो, 360 मतलब पूरा राउंड हो गया, पूरा एक रोटेशन हो गया, यस पूरा रोटेशन हो गया। हाँ तो एक बीटा दूसरे बीटा से 120, तो मतलब जब एक बीटा हर एक 120 डिग्री रोटेशन पे, हर एक 120 डिग्री रोटेशन पे मे बी अभी ये ओपन बैठा हो, ये लूज हो, पर ये तो टाइट है। जब ये रोटेशन लेंगे तो बीटा थ्री ये अब ओपन स्टेज में आ जाएगा, पर ये लूज, ये टाइट फॉर्म में आएगा, ये आपका ओपन स्टेज में आ जाएगा, रिलीज कर देगा। अब अगर ये लूज फॉर्म में आएगा बीटा थ्री, तो ये आपके आपके टाइट फॉर्म में आ जाएगा और ये वापस लूज फॉर्म में। तो ऐसे क्या चल रहा है, हमारा रोटेशन चल रहा है। तो एक बीटा अगर ओपन फॉर्म में बैठा है तो दूसरा वाला बीटा टाइट फॉर्म में बैठा होगा, तीसरा वाला ओपन स्टेज में बैठा होगा, समझ में आ रहा है। एक बीटा अगर लूज फॉर्म में है तो बीटा लाइक बीटा वन अगर लूज में है तो बीटा टू ओपन टाइट में होगा, बीटा थ्री ओपन में होगा। रोटेशन करेंगे बीटा थ्री वापस से क्या आ गया, लूज में आ जाएगा, बीटा वन किस में आ जाएगा, वो लूज लूज से वो टाइट में आ जाएगा, एंड बीटा थ्री हाँ वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ऐसे क्या कर रहा है कि हमारे को ये रोटेशन देखना है, तो ये रोटेशन के हिसाब से हमारा एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। तो ये क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो हमारा एटीपी सिंथेसिस है, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा एटीपी सिंथेसिस है। ठीक है कि यहाँ पे अगर ये रोटेशन कर रहे हैं ना, ये हमारी ये यूनिट ये रोटेशन कर रही है, तो इस रोटेशन की वजह से, इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। तो वन राउंड अगर मैं बात कर रहा हूं, वन बीटा वन रोटेशन वन एटीपी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, थ्री बीटा वन रोटेशन वन रोटेशन, क्योंकि 120 डिग्री एंगल में अरेंज है, तो थ्री बीटा वन रोटेशन, ठीक है कितने हैं, थ्री एटीपी फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब कि ये एक रोटेशन लेगा ना, 360 डिग्री का रोटेशन लेगा, तो हम आपको 3 एटीपी मिल जाएंगे। तो सी रिंग जो गामा रिंग क्या करके जा रही है, रोटेशन करवा रही है किसको, किसको बीटा सब यूनिट को,
इसकी एक रोटेशन से, एक की एक 360 डिग्री की रोटेशन से हमारे 3 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं। आया समझ में? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एटीपी सिंथेसिस है, ये हमारा एटीपी कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, छोटा टॉपिक नहीं है ये, भी एक तरह से बड़ा टॉपिक ही है। ठीक है, बट ये है कि हाँ, अगर अपन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं या एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो एटीपी सिंथेसिस के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पढ़नी पड़ेगी पॉल बोयर की फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, हमें पढ़ना पड़ेगा बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म, क्योंकि हर एक बीटा सब यूनिट का बाइंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, एक बीटा सब यूनिट अगर एक टाइम पे ओपन है तो दूसरी लूज है तो तीसरी टाइट है, रोटेशन कर लेंगे तो इनकी स्टेज चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो अगर ये चेंजेस बेंडिंग चेंज मैकेनिज्म हो रहा है, इसी वजह से हर एक राउंड में हमारे 3 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं एक बार के लिए कि पढ़ा क्या है हमने। पढ़ा हमने बस इतना ही है कि हमने F0F1 पार्टिकल डिवाइस की है। F0F1 पार्टिकल में हमने क्या देखा था, F0 अगर अपन देखे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, F1 क्या है आपका पेरीफेरी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ये कहाँ पर है, ये मैट्रिक्स साइड में है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर है। हमने क्या देखा था, PMS है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के थ्रू क्या होगा, हमारे प्रोटोन पंप क्या करेंगे, जनरेट होंगे। प्रोटोन क्या करके जा रहे, प्रोटोन बहुत सारे प्रोटोन क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। कहां से आए थे ये, आए थे हमारे कहां से, मैट्रिक्स से। कहां पर आए थे प्रोटोन, मैट्रिक्स से। कहां पर, मैट्रिक्स से आए थे, किसमें, PMS में आए थे। बट ये इतने सारे आ गए कि अब यहां पर क्या जनरेट हो गया, यहां पर जनरेट हो गया प्रोटोन मोटिव फोर्स। ये प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, ये प्रोटोन कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं F0 के पास, F0 से कहां जाएंगे, F1 के पास, एंड देन क्या करेंगे, रोटेशन करके जाएंगे। रोटेशन की वजह से क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा। ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, या मैं बोलूं एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, जो कि एटीपी फॉर्मेशन करके जा रहा है, इसलिए इसको अपने अलग से पढ़ा, क्योंकि अगर ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक हो जाता, ये अपने आप में पूरा लास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं, इसके ऊपर इसके सब यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ओलिगोमाइसिन रिगार्डिंग जो आपके एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अपन ने सारे का सारा टॉपिक पढ़ लिया है, अगर आपने पूरा पढ़ा है, आप नोट्स बनाते हो और इतना पढ़ के जाते हो, तो CSIR के, गेट के, DBT के एक भी MCQ आप गलत नहीं होगा आपका, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो हमसे, आप इंस्टा पे पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये डाउट आया है, तो यहाँ पे ये समझ नहीं आया है, तो आप तो क्या करना, आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी रिगार्डिंग। अब अपन ने ATP सिंथेसिस तो कर लिया है, पर ATP सिंथेसिस भी अपन रोक सकते हैं, ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ATP सिंथेसिस को रोक सकते हैं हम। तो कुछ अनकपलर्स होते हैं, क्योंकि आपने क्या देख लिया अभी तक, हमने क्या देखा, ये देखो, ये अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या करके जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसिस, ये दो अलग अलग मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसिस, ये क्या करके जा रहे हैं, दोनों एक साथ कपलिंग रिएक्शन है, एक साथ चल रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। बट कुछ अनकपलर्स होंगे जो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो उस अनकपलर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, ज्यादा बड़ा लक्षण नहीं होगा, अनकपलर्स होते ही आपका क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन अपन आएंगे किसके ऊपर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर आएंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही पढ़ना है अपन को, एंड देन लैक्टिक एसिड है और आपका एक और है अल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, ये दो होते ही आपका रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, फिर देन अपन नए टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, कोई डाउट ना रहा हो, अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो अभी आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।